मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। भारत की नागरिकता पर रार, अब राष्ट्रपति से अरदास, क्या पूरी होगी सीमा हैदर की आस? सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दिनों भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियों में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को सचिन मीणा से इश्क के साथ साथ हिंदुस्तान से भी प्यार हो गया है। सीमा अपने प्यार सचिन के खातिर हिंदू बन गई हैं और शाकाहारी बन चुकी हैं। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो कहती है कि पाकिस्तान में उसके लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है, उसे वहां मार दिया जाएगा। सीमा की ख्वाहिश है कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाए और उसकी ये इच्छा राष्ट्रपति तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए क्योंकि वो केवल प्यार के खातिर हिंदुस्तान आई है। एपी सिंह कहते हैं कि वो 4 बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपना चुकी है, नेपाल में सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुकी है, इसमें मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कानून की, कानून क्या कहता है, किन तरीकों से भारत की नागरिकता मिलती है। तो आपको बता दें, भारत की नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती है और ना ही ये दोहरी नागरिकता देता है, यानी भारत के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली जा सकती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर रहना चाहता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करना देश का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हमारा देश एक गणतंत्र है जिसके तहत सरकार संविधान का पालन करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। सीमा जैसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का तत्व भी है, अगर कोई गलत इरादे से भारत में प्रवेश करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक 4 तरीकों से भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये प्रावधान सेक्शन 3, 4, 5 में दिए गए हैं। ये 4 तरीके जन्म, रजिस्ट्रेशन, वंश और नेचुरलाइजेशन है। तो सीमा के केस में कानून कहता है कि अगर कोई अवैध प्रवासी विदेशी महिला या पुरुष किसी भारतीय महिला या पुरुष से शादी करता है तो वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन सीमा ने भारत में प्रवेश और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सीमा की कहानी नागरिकता संशोधन अधिनियम और भारतीय पासपोर्ट संशोधन अधिनियम को भी चुनौती देती है। नागरिकता कानून के मुताबिक वैध वीजा और यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में घुसपैठ करने वाले किसी भी पाकिस्तानी या विदेशी नागरिक को 2 साल से 8 साल की कैद और ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के नियम 4 उपनियम 1 के खंड एच में कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं, अगर वे भारत आए और यहाँ नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, सीमा हैदर कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले 23 जनवरी 2023 को पाकिस्तानी हैदराबाद की रहने वाली इकरा को सुरक्षा एजेंसियों ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इकरा भी नेपाल सीमा पार कर बेंगलुरु पहुंच गई थी। उसे भी एक ऑनलाइन गेम के जरिए यूपी के रहने वाले मुलायम सिंह से प्यार हो गया था। इकरा को 19 फरवरी 2023 को ही पाकिस्तान भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।